काली पहाड़ी पर स्थित एक रहस्यमयी खंडहर था, जहां दिन तक में इंसान उस खंडहर के आसपास से निकलने से भी घबराता था। रत्नागढ़ राज्य के वासी उस खौफनाक खंडहर के नाम से भी घबराते थे। वह खंडहर हजारों वर्षों से ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ था। अक्सर उस खंडहर के अंदर से रात के वक्त दिल दहला देने वाली चीखें काली पहाड़ी पर गूंजती। दूसरे राज्य के निवासियों को रत्नागढ़ राज्य में आने के लिए उसी खौफनाक खंडहर के पास से ही गुजरना पड़ता था। इसीलिए शाम के बाद दूसरे राज्य का कोई भी व्यक्ति रत्नागढ़ नहीं जाता था, और जो गलती से रात के वक्त उस खंडहर के पास से गुजर जाता तो फिर दोबारा कभी किसी को नजर नहीं आता था। सबका मानना था कि वो खंडहर भूतिया है। आधी रात का वक्त हो चुका था। रात के वक्त उस रहस्यमय खंडहर के आसपास मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। बेहद ठंडी और शरीर को कपकपा देने वाली हवा के बीच एक युवती जो काले रंग की बहुत ही बारीक पोशाक पहने हुई थी, निडर होकर उस खंडहर की ओर तेज तेज कदमों से चली जा रही थी। उस युवती के चेहरे पर खौफ नाम की कोई चीज नहीं थी। खंडहर के अंदर घना अंधेरा फैला हुआ था। उस युवती ने खंडहर के अंदर कदम रखा ही था कि तभी बेहद बड़ी आकार की चमगादड़ों का झुंड अजीब सी आवाजें निकालता हुआ उस युवती के ऊपर से उड़ता हुआ खंडहर की गहराइयों में गुम हो गया। अचानक उस युवती के कानों में किसी पुरुष का भारी स्वर टकराया। यहाँ क्यों आई है नंदा? उस पुरुष के भारी स्वर को सुनकर उस युवती के कदम, जिसका नाम चंदा था, वहीं के वहीं जम गए और उस खंडहर के अंदर रंग बिरंगी किरणें फूटने लगी। खंडहर के अंदर मौजूद सभी मशाले एक एक करके अपने आप जलने लगी। अब खंडहर का अंदर का नजारा साफ साफ देखा जा सकता था। नंदा एक बेहद भयानक दिखने वाली किसी शैतान की प्रतिमा के नीचे खड़ी हुई थी। कुछ क्षण बाद उसी पुरुष की भारी आवाज नंदा के कानों में एक बार फिर से टकराई। यहाँ किस लिए आई है नंदा? आवाज खंडहर के छत की ओर से आई थी। नंदा ने अपनी नजरें छत की ओर गड़ा दी। नंदा ने देखा एक बेहद भयानक दिखने वाली प्राणी छत पर किसी छिपकली की तरह चिपका हुआ था, जिसका धड़ इंसान का था मगर उसका सर एक काले रंग के बकरे का था, जिसके बड़े बड़े सिंह खंडहर के चारों दिशा में फैले हुए थे। उस अजीबोगरीब प्राणी को देखकर भी नंदा की आंखों में खौफ नाम का कोई निशान नहीं आया। वो प्राणी कुछ ही सेकंड में बहुत फुर्ती से दीवारों से किसी जानवर की तरह दौड़ता हुआ नंदा के करीब आकर खड़ा हो गया। तुमने मुझे मेरे नाम से बुलाया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये भी जानते होंगे कि मैं यहाँ पर किस मकसद के लिए आई हूँ। नंदा के इतना कहते ही वो अजीबोगरीब प्राणी काला धुआं बनकर वहां से गायब हो गया। नंदा बुरी तरह से चौंक कर इधर उधर देखने लगी। कुछ देर बाद नंदा के कानों में उसकी ही आवाज टकराई। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर किस मकसद के लिए आई हो। नंदा ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसके सामने उसकी हमशक्ल दूसरी नंदा खड़ी हुई उसे रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा रही थी। मुझे इस तरह से मत देखो नंदा, हमें इंसानों का कोई भी रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त है, मगर हम इंसान के गुलाम नहीं हैं। हम उनका कहना कभी नहीं मानते, लेकिन तेरी इच्छा हम जरूर पूरी करेंगे। जब तुम इंसानों की बात मानते ही नहीं और सुनते ही नहीं तो फिर मेरी इच्छा क्यों पूरी करोगे? नंदा की बात सुनकर उसकी हमशक्ल की अजीब सी हंसी खंडहर में गूंजने लगी। क्योंकि तेरा शरीर सिर्फ इंसानों का है नंदा, मगर तू अंदर से पूरी तरह से शैतान है, और शैतान शैतान का दोस्त होता है। जा, रत्नागढ़ के किले के सामने एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। बरगद के पेड़ के नीचे हजारों वर्षों से सो रहा एक शैतान है। तुझे अभी और इसी समय वहां पर जाकर उस शैतान को खोजना होगा और अपना रक्त उसे चढ़ाना होगा। ऐसा करते ही इस दुनिया के दरवाजे उसके लिए खुल जाएंगे। सिर्फ वही तेरी इच्छा पूरी कर सकता है, क्योंकि वो भूतों का राजा है नंदा, तुझे उसकी शक्ति का अंदाजा नहीं है। 3 दिन बाद रत्नागढ़ के महल को बहुत सुंदर तरह से सजाया गया था। आज रत्नागढ़ किले के राजा चंद्र सिंह के पुत्र अशोक का विवाह
ढोलगढ़ की राजकुमारी से संपन्न हो रहा था। महल में इस समय सभी राज्य के राजा उपस्थित थे। चंद्रसिंह की पत्नी मीनाक्षी अपने पुत्र के विवाह को लेकर बहुत खुश थी। रत्नागढ़ राज्य के हर परिवार को महल में दावत दी गई थी। पूरे रत्नागढ़ राज्य में खुशी का माहौल व्याप्त था। चंद्रसिंह की पुत्री रत्ना अपने भाई के विवाह को लेकर बहुत उत्साहित थे, क्योंकि विवाह में सज्जनगढ़ का राजकुमार वीर भी आने वाला था, जो कि अभी तक नहीं आया था। रत्ना महल की छत पर खड़ी हुई कुछ दासियों के साथ वीर के आने का इंतजार कर रही थी कि तभी अचानक रत्ना की नजर महल से कुछ दूर पर स्थित एक बरगद के पेड़ पर पड़ी। उसने देखा एक काला साया धूप में खड़ा हुआ उसकी ओर ही घूर रहा था। तभी रत्ना के कानों में उसकी एक दासी की आवाज टकराई। चलिए राजकुमारी नंदा, धूप बहुत ज्यादा है, कहीं धूप की वजह से आप बीमार ना पड़ जाए। उस दासी ने इतना बोला ही था कि आकाश काले बादलों से घिर गया और बहुत तेज हवा चलने लगी। कुछ ही देर में उस हवा ने एक तूफान का रूप धारण कर दिया। अचानक आए इस मौसम में परिवर्तन को देखकर रत्ना और उसकी दासियां हैरत में पड़ गईं। रत्ना की नजर अभी भी उसी बरगद के पेड़ के सामने टिकी हुई थी। उसने देखा कि वो काला साया आकाश में काले बादलों के घिरने के साथ ही वहां से गायब हो गया। रत्ना को अब वहां पर बड़ा ही अजीब सा महसूस होने लगा। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। रत्ना की दासियां बारिश से बचने के लिए वहां से चली गई। रत्ना भी वहां से जाने ही वाली थी कि तभी उसके कानों में उसके प्रेमी वीर की आवाज टकराई। मेरा ही इंतजार कर रही थी ना? रत्ना ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही। उसके सामने वीर खड़ा हुआ अजीब से अंदाज में मुस्कुरा रहा था। वीर सिंह की आंखें इस वक्त बिल्कुल नीली थी। आप यहाँ पर कब आए? मैं इतनी देर से छत पर खड़ी हुई आंखें फाड़ फाड़ कर आपको ही देखना चाह रही थी, मगर मुझे तो आपके सैनिक नहीं दिखाई दिए और ना ही घोड़े के टापों की आवाज। वीर सिंह ने रत्ना के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। वो धीरे धीरे कदमों से रत्ना के नजदीक आ गया और रत्ना की आंखों की ओर गौर से देखने लगा। अचानक वीर सिंह एक काले धुएं में परिवर्तित हो गया। देखते ही देखते वह काला धुआं रत्ना की दोनों आंखों के अंदर प्रवेश करके उसके शरीर में समा गया। रत्ना की आंखें पूरी तरह से नीली हो चुकी थी। उसके चेहरे पर क्रोध झलकने लगा था। रत्ना क्रोधित अवस्था में महल के उस हिस्से की ओर चल दी जहां पर इस समय सभी राज्यों के राजा उपस्थित थे। कुछ ही देर में रत्ना उस महल के कक्ष में प्रवेश कर गई। राजा चंद्र सिंह रत्ना को देखकर बुरी तरह से चौंक गए। उसके चेहरे पर क्रोध झलकने लगा। उस समय उस कक्ष में रत्ना का भाई अशोक भी उपस्थित था। रत्ना के कपड़े अस्त व्यस्त थे, उसके बाल खुले हुए थे। ये तुम्हें क्या हो गया है रत्ना? क्या तुम अपनी मान मर्यादा सब भूल गई? किससे पूछकर तुम यहाँ पर आई? क्या तुम्हें पता नहीं कि इस कक्ष में किसी भी महिला का आना मना है? राजा चंद्र सिंह की बात को सुनकर रत्ना पागलों की तरह हंसने लगी। अगले ही क्षण रत्ना बेहद फुर्ती से किसी छिपकली की तरह दीवार पर रेंगते हुए छत पर चिपक गई और सीधे अशोक के सर के नजदीक आकर नीचे कूद गई और अशोक को खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। रत्ना की नीली आंखें देखकर अशोक अंदर तक कांप कर रह गया। ये तुम्हें क्या हो गया रत्ना? तुम्हारी आंखें तो नीली नहीं थी। अशोक की बात सुनकर रत्ना के होठों पर बेहद भयावह मुस्कान छलकने लगी। तभी रत्ना के हाथों में बेहद नुकीले पंजे निकल आए और उसने एक ही वार में अपने पंजों को राजकुमार अशोक की गर्दन में गड़ा दिए। राजकुमार अशोक की दर्दनाक चीख उस कक्ष में गूंज गई। रत्ना ने अशोक की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया और उसके शरीर को कुछ ही क्षणों में चबाकर खा गई। अब वहां पर केवल अशोक का कंकाल बचा था। इस दहशतनाक मंजर को देखकर उस कक्ष में खलबली मच गई। तभी रत्ना किसी जानवर की तरह जमीन पर दौड़ती हुई महल के उस हिस्से की ओर भागी जिस हिस्से में उसकी मां मीनाक्षी थी। राजा चंद्र सिंह चीखते हुए अपने सैनिकों से बोला, जाओ जाकर महारानी मीनाक्षी को बचाओ और जाकर तुरंत हमारे राजगुरु को बुलाकर लेकर आओ। राजा का आदेश सुनते ही
सैनिक रत्ना के पीछे भागे, मगर रत्ना ने एक एक करके उन सारे सैनिकों के सर उनके धड़ से अलग कर दिए और कुछ ही क्षणों में वह मीनाक्षी के कक्ष में पहुंच गई। रत्ना ने मीनाक्षी को कुछ सोचने और समझने का मौका ही नहीं दिया। उसने अपनी माँ मीनाक्षी के साथ भी वही किया जो कुछ देर पहले अपने भाई अशोक के साथ किया था। राजमहल में हंगामा खड़ा हो गया। राजकुमार अशोक और उसकी मां की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ ही देर में राजमहल के राजगुरु जो कि एक बहुत बड़े साधु थे वहां उपस्थित हो गए। राजा चंद्र सिंह ने बेहद घबराए हुए अंदाज में सारी घटना उन्हें बताई। चंद्र सिंह की बात सुनते ही राजगुरु ने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो कि वो पता लगाने का प्रयास कर रहे हो कि इन सब के पीछे कारण क्या है। अचानक राजगुरु ने अपनी आंखें खोल ली। रत्ना के शरीर के अंदर इस समय भूतों के राजा ने अपना कब्जा कर रखा है, और इस सब के पीछे कोई और नहीं राजन बल्कि नंदा है। अशोक का उससे विवाह से इनकार और नंदा के साथ तुम्हारे द्वारा किया गया अपमान नंदा को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसी ने बदला लेने के लिए यह सब कुछ किया है। लेकिन गुरुदेव, नंदा तो एक साधारण लड़की है। ये तुम्हारी भूल है राजन, नंदा काली शक्तियों की मालकिन है। 3 दिन पहले नंदा को उस रहस्यमय खंडहर के आसपास देखा गया था। उस खंडहर में जो भी एक बार जाता है राजन, वह कभी वापस नहीं आता, मगर नंदा वापस लौट कर आई। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि उसने तुम्हारे ही किले के सामने उस बरगद के पेड़ के नीचे तुम्हारे सैनिकों की नाक के नीचे खुदाई की और हजारों वर्षों से सो रहे शैतान को अपने रक्त की भेंट चढ़ा दी और वो आजाद हो गया। कौन आजाद हो गया? भूतों का राजा, जो किसी का भी रूप धारण कर सकता है, जो किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। सोचो राजन, अब जब भूतों का राजा रत्ना के शरीर के द्वारा इस कमरे में आया तो उसने सीधा प्रहार अशोक के ऊपर किया और दूसरा प्रहार उसने तुम्हारी पत्नी मीनाक्षी के ऊपर किया, लेकिन उसने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया क्योंकि नंदा ने उसे यही आदेश दिया था। नंदा केवल अपना बदला लेना चाहती थी राजन, और अंत में वो रत्ना को भी मार कर बदला पूरा कर लेगी। उसके बाद भूतों का राजा आजाद होगा, वो इस हवेली में तबाही मचा देगा। कुछ समय बाद तुम्हारा ये राज्य शमशान घाट में बदल जाएगा राजन। तभी उस कक्ष में काला धुआं फैल गया और उस काले धुएं में से रत्ना निकल खड़ी हुई। उसके हाथ में एक धारदार चाकू था। रत्ना ने वो चाकू अपनी गर्दन में चला दिया। रत्ना का शरीर बेजान होकर गिर गया और बेजान रत्ना के मुंह से एक काला धुआं बाहर आ गया और धुएं नंदा का रूप धारण कर दिया। भूतों का राजा इस समय नंदा के शरीर में है राजन। नंदा बेहद ताकतवर है, इस समय नंदा बेहद शक्तिशाली है, इसका मुकाबला करना असंभव है। इसे रोकने का केवल एक ही उपाय है राजन। कौन सा उपाय? नंदा केवल तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहती है राजन, और तुम्हें जीवित रखना चाहती है, इसलिए इसने भूतों के राजा से तुम्हें जीवित रखने का सौदा किया है। अगर तुम स्वयं को खत्म कर लो तो नंदा का भूतों के राजा से किया हुआ सौदा टूट जाएगा और वो इस दुनिया से वापस चला जाएगा। इस दुनिया को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा परिवार तो अब नहीं रहा, मैं अकेला रहकर क्या करूंगा। चंद्र सिंह ने अपनी तलवार निकालकर अपने गले को स्वयं काट लिया और चंद्र सिंह का शरीर गिर गया। चंद्र सिंह के गिरते ही नंदा बुरी तरह से चीखने लगी। देखते ही देखते उसके शरीर में आग लग गई और कुछ ही समय में वह जलकर राख हो गई और सब तरफ शांति छा गई।